नमस्कार दोस्तों, मैं नफीस खान इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के घाटकोपर के राजा हॉस्पिटल में, जहाँ पर कुछ सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि एक पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसी संबंध में यहाँ पर राजावाड़ी हॉस्पिटल में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, और नज़दीकी सूत्रों से जानकारी हुई है कि पुलिस ने उसको 10 तारीख को नवी मुंबई के एरोली इलाके से पकड़ा और शुक्रवार यानी 11 तारीख को उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट से उसको 3 दिन का पुलिस कस्टडी मिला। उसके बाद में उस व्यक्ति की तबीयत पुलिस कस्टडी में अचानक बिगड़ गई, जिसकी वजह से उसको इस हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। भाई, क्या नाम है आपका? पूरा नाम? क्या हुआ था? भाई, बहुत सीरियस था। पहले से हॉस्पिटल में गए थे। कभी लाए थे उसको? गुरुवार। किस मामले में? पहले का मैटर था, बहुत 11-12-13 साल का, और रूम का मैटर था, किसी को रूम दिखाने का ऑफिस डाला था भाड़ा का, तब कोई दूसरे ने पैसा लिया था, उसके हाथ में दिया ऐसा बोल रहा था, इसलिए उसका नाम लिया है। इसने भी ये भी शामिल था ऐसे बोल रहे, इसलिए अभी उसने केस डाला पुलिस स्टेशन पे, और बोल रहे अभी 5 लाख रुपए दे तब तेरा ये छुटकारा हो जाएगा इसमें से। यानी पुलिस ने 5 लाख रुपए की डिमांड की? हाँ। किससे डिमांड किया? मेरे भाई से, अमोल मुकेश्वर, जो जिनकी डेथ हो गई। हाँ, जिनकी डेथ हो गई, उसको इतना टॉर्चर किया कि 5 लाख रुपए दे अभी छोड़ता हूँ। इतना उसको तबीयत ठीक नहीं था, वो जब ऐसा आ रहा था 450 शुगर था, तब भी उसने ये किया ऐसा। तो जब घर पे अरेस्ट करने के लिए गए थे तब पुलिस वालों ने कुछ बताया था किस मामले में लेके जा रहे हैं हम लोग उनको? बताया था, वो भाई भी, वो किसका नंबर था, वो भी आई थी, मतलब जिस मतलब जब से वो आता क्या वो केस, वो भाई आई थी और 5 लोग आए थे पुलिस स्टेशन से। तो आपको पता है कौन से पुलिस वाले वहाँ गए, तो कुछ नाम वगैरह मालूम है क्या? नहीं, जैसे कि यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि विकास माली, इंस्पेक्टर विकास माली गए थे, तो वैसा कुछ आपके संज्ञान में है क्या? उनका नाम पता है? लेकिन कौन कौन है तो नहीं पता, लेकिन पंतनगर में हमें थोड़ा पता है। आप उनको देखेंगे तो पहचानेंगे। क्या हुआ था उस दिन? वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे, रात के 9 बजे पुलिस आई, उनको मैंने बोला अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो बोले कि हम उनका सब मेडिकल वगैरह करेंगे, और उनको साथ लेके गए, उनके पीछे पीछे मैं फाइल लेके गई पुलिस स्टेशन, वो दिखाया भी फाइल कि उनका बीपी हाई है, तब वो वहाँ पे बोले कि कुछ हमारे फैमिली मेंबर आए वहाँ पे, सब जो अधिकारी वर्ग है उनसे बात करने के बाद वो बोले कि जो भी सेटलमेंट कर लेंगे यहाँ पे, आप इतना इतना पैसा ऐसा जमा करो। कितना पैसा मांगा था? 5 लाख रुपए। नाम पता है कि कौन से इंस्पेक्टर ने मांगा था? नहीं, विक्रोल कोर्ट आए, फिर वहाँ पे 2 दिन का PCR मिला, तब वो ठीक थे, PCR में आए तो ठीक, इतना नहीं ठीक थे, फिर भी ठीक थे, बातचीत हो गई, फिर भी उनको फिर इधर चिराग नगर पंत, ये है चिराग नगर का पंत नगर पुलिस, नहीं चिराग नगर के उधर डाला था लॉकअप में, घाटकोपर लॉकअप में, घाटकोपर पुलिस स्टेशन के लॉकअप जी। उसके बाद मॉर्निंग में फिर मैं उनको मिलने गई, तो मुझे पता चला वो चिराग नगर है, वहाँ से फिर बाद में पता चला उनकी तबीयत भी खराब है करके इधर ला रहे उनको, फिर इधर मैं उधर गई उनको मिलने, तो उधर उनके साथ ही आई थी यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आई, सब बोल रहे उनको तबीयत खराब है। पुलिस वाले बिल्कुल सुनने को राजी ही नहीं थे कि पुलिस नाटक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपका क्या कहना है, पुलिस ने उनको मारा पीटा या मेंटली टॉर्चर किया? टॉर्चर भी किया, और हम लोगों को मेरे को उनसे बात भी करने नहीं दी उन लोगों ने। मैं बोल रही थी उनको कि उनकी तबीयत खराब है, उनको चलने नहीं आ रहा था, इसने भी उसको हाथ दिया, पकड़ के चला रहे थे, फिर भी नहीं सुन रहे थे वो। कुछ नाम पता है क्या कौन से पुलिस वाले थे? वो जानते हैं, उनका नाम नहीं पता। आप उनको देखोगे तो पहचानोगे? बिल्कुल। अभी इसमें आपका क्या 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 कहना है पुलिस के अगेंस्ट, पुलिस के खिलाफ क्या? अभी कोई कोऑपरेट नहीं करती, और ना हॉस्पिटल वाले उसको। उनको यहाँ पर एडमिट कब कराया पुलिस ने? परसों रात को।
शुक्रवार की रात को, यानी जिस दिन कोर्ट ले गए उस दिन शाम को यहाँ एडमिट, शाम को ही एडमिट हुआ। बहुत टॉर्चर किया शायद उनको, भूल भी रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे ठीक तरह से। नहीं, आपका क्या कहना, उनको मेंटली टॉर्चर किया या मारा पीटा किया? मेंटली टॉर्चर हुए। अच्छा, जो जब लाए थे तब बताए थे किस मामले में लेके जा रहे, अरेस्ट कर रहे उनको? नहीं नहीं, मैंने वही बोला कि आपने इंटीमेशन भी नहीं दिया हमको। आपको अरेस्ट करने के बाद आपको इंटीमेशन नहीं दिया? वो बोले कि नहीं, इंटीमेशन देने का क्या है, ये हमारा जॉब है क्या? नहीं, कुछ नहीं। जब रात को आपके यहाँ आए थे तो आपके लोकल पुलिस स्टेशन वालों को लेकर के आए थे? नहीं नहीं, वो पन्नगर के ही थे सब। पन्नगर के कंप्लेंट करने वाला था वो भी साथ में ही था उनके, उसको साथ लेके आए थे वो। 5 लाख रुपए की डिमांड किसने किया? पुलिस वाले ने किया। परिजनों से बात करने के बाद परिजनों की का ऐसा मानना है कि जो भी दूसरी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, उनको सख्त से सजी जाए और इनको न्याय दिलाया जाए इस मामले में, क्योंकि इनके इनका कहना है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार के, वो घर के अकेले कमाने वाले थे, उनके पिताजी से भी बात की गई जो इतने ज़्यादा सदमे में हैं कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। और नज़दीकी सूत्रों से ऐसा पता चला है कि जो पुलिस टीम उठाने गई थी, उनको लाने गई थी, पकड़ने गई थी, उनका उसमें एक एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विकास माली और उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफ अरुण पोखरकर थे। पुलिस आयुक्त श्री संजय पांडे जी से मांग है कि इसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनती है इंक्वायरी करा करके उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई की जाए ताकि परिजनों को न्याय मिल सके।